हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकाली गई है, जिसमें टोटल जो वैकेंसी रखी गई है वो टोटल 15 वैकेंसी रखी गई है। यह वैकेंसी जो अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें से जो पहला पोस्ट रखा गया है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और जो दूसरा पोस्ट रखा गया है वो जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो आपका टोटल सीट रखा गया है वो टोटल 12 सीट रखा गया है। जो सैलरी रखी गई है वो 19,900 रुपया से लेकर 63,200 रुपया जो है आपकी मंथली सैलरी रखी गई है। एज लिमिट जो रखा गया है, देखिए आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 25 अक्टूबर 2022 को जो है आधार मानकर आयु सीमा की गणना की जाएगी। मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम जो आयु रखी गई है वो 28 ईयर्स रखी गई है। इसी तरह जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो आपका टोटल सीट रखा गया है वो टोटल 3 सीट रखा गया है। जो सैलरी रखी गई है वो 25,500 रुपया से लेकर 81,000 रुपया जो है आपकी मंथली सैलरी रखी गई है। एज लिमिट जो रखा गया है, आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 25 अक्टूबर 2022 को जो है आधार मानकर आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम जो आयु रखी गई है वो आपकी 28 ईयर्स रखी गई है। अगला है हमारा इम्पोर्टेंट डेट। देखिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई जो डेट रखा गया है वो 26 सितंबर 2022 रखा गया है, यानी 26 सितंबर 2022 से जो है आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। लास्ट डेट टू फॉर्म, फॉर्म के लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 25 अक्टूबर 2022 रखी गई है। अगला है हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है आपका अवेलेबल सून। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फी। तो देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो 100 रुपये रखा गया है। एससी एसटी और ईएसएम और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो 0 रुपया रखा गया है, मतलब कोई पेमेंट नहीं करना है। अगला है हमारा पेमेंट मोड। पेमेंट जो मोड है आपको ऑनलाइन ही पैसा पे करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता क्या रखी गई है। देखिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें से जो पहला जो डिग्री मांगी गई है आपको क्लास 12 पास की डिग्री मांगी गई है। जो दूसरा जो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। देखिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो आपका स्पीड रखा गया है वो 35 वर्ड प्रति मिनट रखा गया है। हिंदी टाइपिंग के लिए जो स्पीड रखा गया है वो 30 वर्ड प्रति मिनट रखा गया है। टाइपिंग टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 10 मिनट दिया जाएगा। इसी तरह स्टेनोग्राफर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसमें से जो पहला जो डिग्री मांगी गई है आपको क्लास 12 पास की डिग्री मांगी गई है, और जो दूसरा में जो है आपका इंग्लिश या हिंदी डिक्टेशन होगा 10 मिनट जो आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। जो डिक्टेशन की स्पीड रहेगी आपकी 80 वर्ड प्रति मिनट आपकी डिक्टेशन की स्पीड रखी गई है। अगला है हमारा सिलेबस। सिलेबस में जो है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो आपका सिलेबस रखा गया है सबसे पहले जो है आपका रिटेन टेस्ट होगा, और रिटेन टेस्ट में भी जो है आपका दो पेपर होंगे, एक तो पेपर वन होगा और दूसरा जो पेपर होगा पेपर टू होगा। पेपर वन के लिए जो आपको समय जो निर्धारित किया गया वो 90 मिनट दिया जाएगा। पेपर टू के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 1 घंटा का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप मतलब किस टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 होंगे। पेपर वन में जो है किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो पेपर वन में जो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिससे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स के होंगे। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, इसमें नहीं, इसमें नो निगेटिव मार्किंग मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी तरह पेपर टू होगा, पेपर टू में जो है आपका जनरल नॉलेज होगा से जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 50 आएंगे।
कितने मास्क होंगे, तो 150 मास्क होंगे। इसी तरह पेपर टू में भी जो है आपको इंग्लिश का एक पेपर होगा, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे 50 आएंगे। कितने 150 मार्क्स के होंगे, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। यस, इसी तरह जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो क्वेश्चन टाइप, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 होंगे। किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो सब्जेक्ट में जो पहला है रीजनिंग से जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, ये आपके 50 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट में जो दूसरा है जनरल नॉलेज से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट में तीसरा है इंग्लिश से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 100 आएंगे, आपके 100 मार्क्स के होंगे। 1/4 जो है आपका इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये तो था सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भर्ती का ओवरव्यू, जिसको हमने सारी चीज़ों को आपको समझा दिया। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसके लिए योग्यवर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।